हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, एक है यस बैंक और एक है HFCL लिमिटेड। यस बैंक की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वो चेंजेस अच्छे हैं या फिर बेकार हैं अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जो पैनिक की सिचुएशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही है जो आज का सिनेरियो चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें HFCL में तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या सच में आपको HFCL में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ये एक ऐसा शेयर है जो आपको अभी तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, बाद में आपके सारे पैसे डुबो सकता है। क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी ही बातें इस शेयर के बारे में भी निकल के आ रही है। सारी कंफ्यूजन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूर करने वाला हूं और आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, फ्राइडे को यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी यस बैंक के शेयर में। उससे पहले आपको बड़ा उछाल देखने को मिला था। ओवरऑल सिनेरियो यस बैंक में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें एक तो बहुत बड़ा मूवमेंट कभी आता नहीं है हाल फिलहाल, और अगर आ जाता है तो दूसरे या तीसरे दिन इसमें फिर से कंसोलिडेशन फेज आ जाता है, जिसकी वजह से जो शेयर का प्राइस है वो वहीं के वहीं घूमता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज जो निकल के आ रही है वो ये है, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देख पा रहे होंगे, यहाँ से सीधी सीधी चीजें यही दिख रही है कि जितनी इसमें गिरावट आ सकती थी वो आ चुकी है। अब इसमें फर्दर कोई बड़ी गिरावट के चांसेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी नेगेटिव न्यूज, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज, सारी चीजें आती जाती रहती है, लेकिन शेयर पे उतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जहां तक गिरावट की बात है, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली, जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। वहीं अगर हम इसके बड़े मूवमेंट के बारे में बात करें तो उसके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से इसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। न्यूज़ की बात हुई है तो पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि मास्टर कार्ड्स जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि जो मास्टर कार्ड्स अभी चल रहे थे क्या वो भी बंद हो गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे मास्टर कार्ड्स पहले चल रहे थे वो चलते रहेंगे, फर्दर अब फ्यूचर में कोई भी नए मास्टर कार्ड इश्यू नहीं होने वाले। अब जैसे कि इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा आपको यस बैंक, RBL बैंक और बजाज फिनसर पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने इसको इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ बता दिया है कि अब यहाँ पे जो मास्टर कार्ड्स हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, जो ऑलरेडी चल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि यस बैंक बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसमें कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हालांकि ये एक नेगेटिव न्यूज़ तो है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी वजह से आपको 5-6% की गिरावट देखने को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आता है जहां तक मुझे लगता है। अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अपडेटेड वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो कोई बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज नहीं है। इवन दो अगर हम यहाँ पे बोले तो थोड़े से आपको नेगेटिव चेंजेस ही दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे अगर आप जून में देखोगे तो कम करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो दिसंबर से लेके जून तक की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे यस बैंक में अपनी जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज करते हुए दिखाई दिए हैं। जो पहले 62% के करीबन आपको दिखाई दे रहे थे वो अब वहाँ पे आपको 57% देखने को मिल रहे हैं, करीबन 5% की गिरावट आपको इनके होल्डिंग में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें LIC के स्टेक के बारे में, करीबन आपको 5% के करीबन यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट देखने को मिलेगी शेयर होल्डिंग वो आपको थ्रू आउट दी दिसंबर टू जून तक आपको सेम देखने को मिलेगी। LIC ने ना तो इसमें अपनी इंक्रीज करी है ना ही डिक्रीज करी है। बे ट्री के बारे में तो आपको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू भी बताया था कि उन्होंने अपनी होल्डिंग बहुत हद तक कम कर दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। बे ट्री की तरफ से यस बैंक की होल्डिंग्स बहुत हद तक यहाँ पे कम करती हुई दिखाई दी है।
वहीं आपको देखने को मिल रहा होगा जो रिटेल इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है यस बैंक में, जिसकी वजह से भी अगर हम यहाँ पे बोलें तो इसमें इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है और कोई एक बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल पाता है, क्योंकि जैसे ही इसमें कोई बड़ी गिरावट आती है पैनिक की सिचुएशन सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स में आती है, वो सेलिंग प्रेशर वहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि शेयर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में जा ही नहीं पाता, और अगर कैसे भी करके इसमें कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू कि शेयर वहीं कि वहीं फिर से आ जाता है। तो ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बताया, जो न्यूज़ भी आई थी वो भी बताई और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपडेटेड है वो भी आपको बता दिया है। तो अभी तक कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको बोल सकूं कि इसके आपके 30 या 35 रुपए के टारगेट दिखाई दे जाएं, लेकिन हाँ अगर आप इसमें इजीली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ये शेयर आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न फ्यूचर में बना के दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें HFCL के बारे में तो HFCL अगर आप देखो कि फ्राइडे को अपवर्ड मूवमेंट में क्लोज होते हुए आपको नजर आया था। HFCL एक ऐसा शेयर है जिसके फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं अगर हम बात करें इसके रिटर्न के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में तो वो भी आपको इतने ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे कि पर्टिकुलरली अगर आप कोई भी यहाँ पर सेक्शन उठा के देखोगे टाइम पीरियड का तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर हम इसकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो आपको वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है दिन ब दिन, तो ये एक साइन दिखाई दे रहा है कि अगर आप देखो ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक में जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां से आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिस्क की बात करूँ वो थोड़ी सी कम है अगर हम रिटर्न से कंपेयर करें तो, क्योंकि इस ईयर में भी पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ से कोई बड़ी गिरावट के चांसेस दिखाई नहीं देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, हाँ दिन ब दिन अगर आप देखोगे यहाँ पे मजबूती आपको दिखाई दे रही है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आया था हाल फिलहाल में वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा था, तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बेसिस पर अगर हम इस कंपनी को जज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक नज़र आ जाती है। वहीं अगर हम यहाँ पे इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, आपको यहाँ पे प्रमोटर्स जिन्होंने पहले इस कंपनी का साथ छोड़ दिया था अब यहाँ पे पर्टिकुलरली परसेंटेज देख पा रहे होगे कितनी हद तक परसेंटेज इंक्रीज कर दिया प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग, तो यहां से सीधा सीधा यही दर्शाता है कि आने वाले टाइम में यहां पे कंपनी का जो विजन है वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, और आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर आपको न्यूज भी बताई थी रिलायंस जियो के लिए भी यहां पे काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है HFCL। तो ओवरऑल सिनेरियो HFCL का यही है कि आप इसमें थोड़ा सा एलोकेशन अपना इंक्रीज कर सकते हो सो दैट आपको एक ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में मिल जाए जो आपको काम आने पर बहुत हाई रिटर्न्स बना के दे सके, लेकिन एलोकेशन इसमें उतना ही इंक्रीज करें जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये शेयर जो बिलोंग करता है हाई रिस्क और हाई रिटर्न की कैटेगरी में बिलोंग करता है। बाकी अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिसमें आप अपना एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।